Hello everyone, so here it's Diya Patel. So aaj hum class 11th ka chapter mechanical properties of solids start karne wale hain. So first of all hum ye dekhenge ki rigid bodies kya hoti hai. So rigid bodies, let's see. Rigid bodies are those which are hard and have a definite shape and size but are not solid body. Okay, so rigid body matlab jo kabhi apna shape change kar hi nahi sakte, uska shape hamesha डिफाइनाइट रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, वो कभी चेंज नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉलिड बॉडी होती है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होती, क्योंकि सॉलिड बॉडी जैसे कोई भी एक आयरन का रॉड ले लो, उसके ऊपर फोर्स लगाने से उसका शेप चेंज होगा तो वो रिजिड नहीं कहलाएगा, वो सॉलिड कहलाएगा, क्योंकि उसका शेप जो होगा वो चेंज होगा. सो हियर यू कैन सी, मैंने इधर लिखा है सॉलिड बॉडी में कि इट्स शेप कैन बी चेंज बाय द फोर्स. ओके, जो फोर्स है हम उसका शेप जो होगा वो चेंज कर सकते हैं. देन इलास्टिसिटी, अनदर टर्म इज इलास्टिसिटी. सो इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक, हमें पता है कि इलास्टिक जो जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं. ओके, सो इलास्टिसिटी मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइंग फोर्स. मतलब एक बार हमने जैसे वो जो रबर बैंड होता है उसे हमने खींचा, खींचने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो फिर से हम उसे छोड़ेंगे तो वो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी. ओके, सो प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी. ओके, ओरिजिनल प्रॉपर्टी और ओरिजिनल शेप वी कैन से. देन प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मतलब सब्सटेंस गेट परमानेंटली डिफॉर्म. डिफॉर्म मतलब जैसे कोई भी एक चीज को हमने खींचा, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो उसका जो शेप होगा थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब ये जो शेप होगा वो थोड़ा सा ऐसे लंबा हो जाएगा. सो उसके शेप में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो इट इज प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी. सो इट्स अ टेंडेंसी टू रीगेन इट्स प्रीवियस शेप एंड दे आर परमानेंटली डिफॉर्म. इट्स ओके, सॉरी मैंने गलत बोला, इट्स प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स प्रीवियस शेप. इट्स मतलब प्लास्टिसिटी के पास प्रॉपर्टी नहीं होती अपने प्रीवियस शेप में आने की. वो जैसे हम प्लास्टिक क्यों बोलते हो, अगर आप कोई भी प्लास्टिक की बैग ली और उसे आप स्ट्रेच करो तो वो स्ट्रेच ही रहेगी, फिर से ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं आने वाली ना, इसलिए हम उसे प्लास्टिक कहते हैं. ओके, उसके बाद एक टर्म आता है हुक्स लॉ. सो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ हमें ये कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे से, क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे. सो फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, थोड़े से डिफॉर्मेशन के बाद भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे. सो इसका डेरिवेशन अगर हम देखने जाए, सो लेट मी शो यू. एस टी को हम रखते हैं स्ट्रेस. ओके वेट, ये बड़ा वाला है स्ट्रेस वाला और छोटा वाला स्ट्रेन वाला. तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है तो इसे के लगाएंगे और एस के साथ, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो डेरिवेशन हो गया
अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये तो हमने जान लिया कि हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे से। अभी हम जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होगा और स्ट्रेन क्या होगा। सर, स्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब है, जैसे इमेजिन करो कि आपने एक रबर बैंड को खींचा। खींचने के बाद कभी ऐसा वो रबर बैंड आपने देखा है कि खींचने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में ही रहेगा, वो अपने सॉरी वो जो डिफॉर्म हुआ है वो जो शेप में वही शेप में रहेगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। आपने कभी देखा है? 101% आपने ये नहीं देखा होगा। कोई भी इलास्टिसिटी वाली जो चीज़ होती है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होता है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जब आपने उसे खींचा है जो, तो उसके ओरिजिनल फॉर्म में आने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ओके, सो स्ट्रेस मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए जो फोर्स वो लगाएगा उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन हम देखेंगे अगले पेज पे। अभी स्ट्रेन से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारा स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया, और ये फोर्स कौन सा होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ओके, सो ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी थी जो हमने आपको बता दी। ये चैप्टर बहुत इजी है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा ML T minus 1 T minus 2। ये होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सो अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे स्ट्रेन को समझने के लिए। अब हम देखेंगे स्ट्रेन के जो टाइप्स होंगे वो। स्ट्रेन कॉमनली थ्री टाइप्स का होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जो लेंथ की वजह से जो चेंज होता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन मतलब जो हम जो फोर्स लगाते हैं स्ट्रेस के बाद, जो फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से जो हमारे जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाता है उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, सो पहले हमने ये समझ लिया कि स्ट्रेन मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। तीन टाइप के होते हैं। लेंथ में स्ट्रेन आ सकता है, मतलब लेंथ में डिफेक्ट आ सकता है, या तो फिर उसके शेप में आ सकता है, शेप में आ सकता है, लेंथ में आ सकता है, या तो फिर उसके वॉल्यूम में भी आ सकता है। ओके, सो ये तीन हम देखने वाले हैं। सो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा कि जो चेंज है, जैसे सपोज ये हमारा फॉर्मूला देखो, ये ग्रीन कलर से जो लिखा है ये वाला। सपोज ये एक स्केल है, सॉरी ये एक रॉड है, तो इसकी लेंथ इतनी थी, तो इधर से हमने कंप्रेस किया इसे, इधर से और इधर से कंप्रेस किया, तो कंप्रेस किया तो इसकी लेंथ में थोड़ा बहुत हमें डेल्टा एल जितना चेंज मिला, तो उससे हम बोलेंगे डेल्टा एल। और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी ये वाली उसे हम बोलेंगे एल। के समझ में आया ये क्या होगा? होप सो। अभी हम देखेंगे शेप को। तो शियरिंग को हम बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेन जो होगा उसको हम बोलते हैं, उसको हम शेप के लिए डिनोट करते हैं। अभी टेन थीटा, अभी यहाँ पे एंगल कैसे आया, एंगल कैसे आया वो हमें समझ में नहीं आया। तो ये बात देखो,
जैसे सपोज हम सोचते हैं कि यहाँ पे एक सिलेंडर है. ओके, लेट मी शो यू द सिलेंडर. मैं आपको सिलेंडर बताती हूँ कि ये एक ओरिजिनल सिलेंडर है और यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें मरम्मत की गई जिसकी वजह से इसका शेप थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया. तो ये उसका ओरिजिनल, ये इसका ओरिजिनल ऐसे था. ओके, तो ओरिजिनल ये ऐसे था लेकिन उसमें कुछ मरम्मत की गई जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो गया. तो इसकी लेंथ क्या थी पहले? वेट अ सेकेंड. इसकी लेंथ थी L. ये वाली जो लेंथ थी इसको हम बोलेंगे L. लेंथ को हमने बोला L. इसके अंदर जितने एंगल का चेंज आया इसको हमने बोल दिया थीटा. एंगल का चेंज है. ओके, और इसकी जो ब्रॉडनेस थी, क्या थी? ब्रॉडनेस. इसको हमने बोल दिया एक्स. यानी ये जो इधर से इतनी जो लेंथ थी उसको हमने बोल दिया डेल्टा एक्स. मतलब उसमें जितना चेंज हुआ उसको हमने बोल दिया डेल्टा एक्स. तो इस तीन पैरामीटर्स में से हमारा फॉर्मूला आया ये. सो टेन थीटा इक्वल्स टू लेंथ, सॉरी, चेंज इन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने एक्स डिनोट किया. ओके, अभी अनदर वन क्या है? वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम स्ट्रेन को हम हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं. उसमें हमने क्या किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसको हमने पानी में डाला. मोस्ट ऑफली जब वॉल्यूम की बात की जाएगी तो उसे हम पानी में ही डालेंगे. सो उसको हमने पानी में डाला है. तो पानी में डालने के बाद उसको फोर्स लगाया जाता है. पानी उसको फोर्स लगाता है. तो फोर्स लगाने की वजह से ये जो डॉट डॉट वाला पोर्शन है वो उसका ओरिजिनल शेप था और पानी के फोर्स की वजह से उसका शेप श्रिंक हो गया. मतलब वो दब गया है, उसका शेप थोड़ा सा श्रिंक हो गया. तो उसकी वजह से उसके शेप में चेंज हुआ. तो उसका ओरिजिनल शेप था उसको हमने, ओरिजिनल वॉल्यूम था उसको हमने ले लिया V. और उसका जो अभी उसके जो वॉल्यूम में जो चेंज आया है, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम जो था माइनस अभी जो इसका जो वॉल्यूम है, मतलब उसको हम बोलेंगे V2, उसको हम बोलेंगे डेल्टा V. जैसे ये इसको हमने V1 बोल दिया तो V1 माइनस V2 हमें मिल जाएगा डेल्टा V. मैथमेटिक्स तो आती होगी, सिंपल है. ओके, सो इसके अंदर से हमारा फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ ये वाला डेल्टा V अपॉन V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. ओके, सो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. सो हमने चैप्टर के फर्स्ट इम्पॉर्टेंस पैरामीटर्स विद इन 15 मिनट्स में कंप्लीट किए हैं. अभी 15 मिनट्स पूरी भी नहीं हुई. सो यस, कॉन्ग्रेट्स एवरीवन. ओके, सो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट सेशन.